नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पर स्वागत करता हूँ सभी वनकाज में। फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। हाजिर है तो ख्वाजा साहब जी की आपके सामने अरदास, जाने के झूले लाल जी की अरदास लेके आया हूँ। ये अरदास मात्र एक बार पढ़नी है, इसको पहले कंठस्थ करना पड़ेगा। अरदास ध्यान से सुन लेना और निवेदन रहेगा, अगर किसी को समझ में नहीं आती है मेरे उच्चारण में, उनको कोई त्रुटि लगती है या मैं कुछ गलत बोल देता या बोलता ना कि मैं थोड़ा उच्चारण तेज करता हूँ, तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरी वेबसाइट लिखी हुई है sanninathsharma.blogspot.com, उस पर जाके आप पढ़ सकते हो। और तीन मेरे उच्चारण गुरु घोषणा शिव गुरु शिवल सर, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है। इंटरनेट के दुनिया में कोई मेरे गुरुओं को चेला को गुरु ने किसी के झांसे मत पसंद, सभी धर्मों का आदेश सम्मान करते व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते, मेरे कम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। फ्री में बात करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना। व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं छोड़ना, क्योंकि वहाँ पे कंसल्टिंग फीस ही लगनी है, जैनल में लिखा हुआ ऊपर। तो लाइव चैट में आप मेरे से जितने मर्जी क्वेश्चन करो, फ्री है वहाँ पे। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो मेरे ज्वाइन बटन पर आप ऐड हो सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी जब 1000 से ज़्यादा पर्सन ऐड होता है तभी वहाँ पे स्पेशली वीडियो आएगा। तो साधना क्या है, मंत्र क्या है, कलाम क्या है, सुन लो। बाकी की जानकारी आप वेबसाइट पर ले लेना, सब कुछ वहाँ पर मैंशन है। वेबसाइट पर जाके आप इस कलाम को पढ़ सकते हो, वहाँ पर लिखित में मिलेगी। ये एक टेस्टर चीज़ है। तो सुन लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, या ख्वाजा जिंदा पीर, सुकी नदी चलावे नीर, ख्वाजा अरसी, ख्वाजा वरसी, ख्वाजा रता, ख्वाजा मक्का, मीन के मीन, गुल गुलाब के मऊआ, अब्दर शफी, अल्लाह के चार कुर्सी, ख्वाजा खिजर की, जिथे पीर सिंह लट्ठा, तेरे नाम से सब दुख नट्ठा, रंगी गई फ्राकी, आई डोला दरियाई, बठिंडा रतन का भेद ना पाया, फ़कीरों के जतन का, तेरा नाम ख्वाजा खिजर, तेरा डूंगे जल विच वास, तू आया पानी के साथ, पानी पिए पानी खाइए, पानी राम रब का लिए, जल तू जलाल तू, कुदरत तू कमाल तू, आई वला को टाल तू, बारी बनी का जार तू, आस पास मक्का विच मदीना विच छाया के छाया में बलिहार, ख्वाजा खिजर जिन गड़ुआ घाट बनाया, आटे का दीवा घ्यो का चिराग, बल्ली सच्ची सरकार, यहाँ पे आप बली बोल सकते हो या आप उनको अली बली बोलते हैं, उनको बली सच्ची सरकार के द्वार का डिब्बा का बेड़ा, सोने का पक्खा झोल झोल कंडे डोल, कंडे अपनी शांति के जोर, लाहेला इल्लल्लाह या मोहम्मद या रसूल इल्ला, मेरी फरियाद तेरे अगे तेरी सच्ची दरगाह, अग मंगिया मुराद पूरियां पाया, ढो के जहाज नू बन्ने ला, पगड़ा दिया आशा, मुरादा पूरियां करी, बोल सच्चे दरबार की जय। अब ये ऐसा है कि अरदास अगर किसी को समझ में नहीं आती है, पंजाबी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको लिखी मिलेगी। बेस्ट यही है कि कई बार उच्चारण में क्या होता है कि मैं उच्चारण करता हूँ, मेरा उच्चारण अलग है, आपका अलग है, तो आप जो टंग लाइन जो पकड़नी है, तो बेस्ट ये है कि आप वेबसाइट पर विजिट करना, वेबसाइट से आप ले लेना। वेबसाइट नीचे लिखी हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन के ऊपर लिखे रहे sanninathsharma.blogspot.com, ऊपर आएगी, वहाँ पर जाके आपने टैग लाइन में जाना, यानी कि आप जो मेरे टॉपिक्स हैं उनमें आपने पीना हजरत ख्वाजा साहब, उसको सेलेक्ट करना, आप उनमें आप ये अरदास जाके अरदास पढ़ सकते हो। अरदास मात्र इतनी शक्तिशाली, मात्र एक बार पढ़नी है आपने एक बार पढ़ने से ही आपके सारे कार्य संपूर्ण हो गए। गुरुओं के सानिध्य में गुरु कृपा से ही आपने पढ़नी है। जिन लोगों के पास गद्दियाँ, जिन लोगों के पास ख्वाजा जी की चौकी है, उनके लिए अरदास सिद्ध होगी। और इस अरदास का जप करने से आपको कई प्रकार की शक्तियाँ और कई प्रकार के, वो बोलते हैं कि देवी देवताओं के दर्शन होंगे। एक तरह से ये टेस्टेड अरदास है पूर्ण रूप से। और ये अरदास जो है वो गुरुओं की आज्ञा और गुरुओं पीरों की कृपा पाने के लिए ही कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का कार्य नहीं बनता, वहाँ पर इस अरदास को बोला जाता है। अगर आपके ऊपर हजरत ख्वाजा साहब की चौंकी नहीं आती, तब आप इस अरदास का प्रयोग कर सकते हो। ये अरदास आपके बिगड़े काम संवारती है, क्योंकि इसमें हर एक प्रकार के इलम तिलम खाकी नूरी सबकी काट आती है, और गुरुओं की ही आज्ञा से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और नॉर्मली इनका जप जो है वो आपने जाद यानी कि कंठस्थ जरूर करना है। इनको कंठस्थ करने के बाद आपने फटाफट इनको बोलना है। उच्चारण हिंदी और पंजाबी दोनों आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, तो विजिट करके वहाँ से आप मंत्र ले सकते हो। स्वादेश जय गुरुनाथ अलख निरंजन।